राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में, मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है, बड़े बड़े ऑफिसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाए, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में, मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है, बड़े बड़े ऑफिसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाए, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।